हरे कृष्णा योग मंदिर में आप सभी का स्वागत है। मुद्रा की इस सीरीज़ में आज हम एक नई मुद्रा जानेंगे, नई मुद्रा सीखेंगे जिसका नाम है पृथ्वी मुद्रा। यह मुद्रा शरीर में पृथ्वी तत्व को बढ़ाती है। इस मुद्रा के दौरान शरीर से अग्नि तत्व कम होने लगता है, इसलिए इसे अग्निशामक मुद्रा भी कहा जाता है। यह जीवन शक्ति को बढ़ाती है, अस्वस्थ को स्वस्थ बनाती है। अब जानेंगे इसके करने का तरीका। वज्रासन, पद्मासन, सुखासन, दंडासन या चेयर में बैठ के भी इस मुद्रा का अभ्यास किया जा सकता है। अनामिका यानी रिंग फिंगर और अंगूठे, इन दोनों के टिप को आपस में टच करवाएंगे, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इतना बार करने से, टच करने भर से मुद्रा बन जाती है। यह मुद्रा डेली 45 मिनट्स करनी चाहिए। ऐसे तो इस मुद्रा को कभी भी कहीं भी किया जा सकता है, पर इसे सुबह और शाम करने से इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। और इसे प्राण मुद्रा के साथ अगर किया जाए तो सोने में सुहागे जैसा काम हो जाता है। यानी पूरे दिन के अंदर 15-20 मिनट आप प्राण मुद्रा करें और 45 मिनट ये करें। जैसा कि मैंने पहले की वीडियोस में बताया हुआ है कि दो मुद्रा के बीच में 15-20 मिनट का गैप अनिवार्य है, उस बात का हमेशा ध्यान रखें। यह मुद्रा 15-15-15 के 3 स्लॉट्स में भी कर सकते हैं और आप इसे 45 मिनट्स कंटिन्यूस कर सकते हैं। जब भी आप 45 मिनट्स कंटिन्यूस करेंगे तो आपका ध्यान श्वास की गति के ऊपर केंद्रित रहेगा। आप ओमकार कर सकते हैं, वो आपका मन भी इसके साथ शांत हो जाएगा। अब जानते हैं इसको कौन नहीं कर सकते हैं। इसको कफ प्रकृति वाले, जिनको कफ ज़्यादा है, कफ प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, ऐसे लोग इस मुद्रा का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जब आपको इसके रिजल्ट्स मिल जाएं, उसके बाद इसका अभ्यास करना बिल्कुल ही बंद करना है, इसको फिर कंटिन्यू नहीं करना है। यह मुद्रा के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं अब जानेंगे। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इस मुद्रा के अभ्यास से पुरानी चक्कर की समस्या, कमज़ोर महसूस होना, ऐसे प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं। इस मुद्रा से विटामिन की डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है। इस मुद्रा को हेमोग्लोबिन बढ़ाने वाली मुद्रा भी बोला जाता है। यह मुद्रा रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाती है, यानी रोग प्रतिकारक शक्ति शरीर में बनी रहती है, इसलिए व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है। यह मुद्रा सूखी त्वचा और फटी त्वचा का इलाज करती है, यानी जिनकी स्किन ड्राई है और ड्राइनेस की वजह से वो फट जाती है, तो यह मुद्रा करने से उनको फ़ायदा मिलता है। हेयर फॉल और हेयर ग्रे, जिन लोगों का हेयर फॉल हो रहा है और जिन लोगों के बाल कम उम्र में, यानी उम्र छोटी है, एज छोटी है और बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो गए हैं, तो उनको भी इस मुद्रा करने से लाभ मिलता है। इन दोनों के साथ, यानी हेयर फॉल और हेयर ग्रे जैसी प्रॉब्लम्स में कई और जानकारियां भी ज़रूरी है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका अलग से वीडियो है। आप वो मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुद्रा सपोर्टिंग है, हेल्पिंग है, पर प्रिकॉशंस तो हमको हर बीमारी के लिए और भी लेने ही होंगे। दोस्तों, इस मुद्रा के अभ्यास से बुखार और पीलिया को भी ठीक किया जाता है और ये स्किन पे तेज को लाती है, यानी स्किन पे ग्लो आ जाता है, लस्टर आ जाता है। और जिन लोगों को वेट बढ़ने की समस्या है, यानी वो कितना भी खाते हैं तो भी उनकी बॉडी हमेशा पतली ही रहती है, दिखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसे लोग अच्छी डाइट लेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और उसके साथ
व्यायाम थोड़ा सा करेंगे और इस मुद्रा का कंटिन्यूअस 45 मिनट्स अभ्यास करेंगे तो उनका वेट कंट्रोल में आ जाएगा, यानी उनका वेट अच्छा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि उनकी बॉडी अच्छी दिखने लगेगी। लेकिन इस मुद्रा को 2 दिन 4 दिन करने से नहीं दोस्तों, कुछ महीने कंटिन्यूअस करना होगा। डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, मन में शांति को लाती है और आपका डायबिटीज़ भी इससे रिड्यूस होता है। यह मुद्रा एकाग्रता लाती है और अल्सर भी इससे ठीक हो सकता है, अगर इसका उपाय करने के साथ अल्सर में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये तो आपको पहले जानना होगा, उसके साथ इसका कंटिन्यूस अभ्यास किया जाए तो यह मुद्रा ज़रूर से फ़ायदेमंद साबित होगी। एसिडिटी वालों को भी ये मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए तो उनकी एसिडिटी में भी फ़ायदा हो जाएगा। रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। पृथ्वी तत्व के अंतर्गत बॉन्स, मसल्स, नेल्स, हेयर, स्किन ये सब आ जाते हैं। इस मुद्रा के अभ्यास से ये सारे प्रॉब्लम्स ठीक होते हैं। रिंग फिंगर को अंगूठे से टच करने से मूलाधार चक्र एक्टिव होता है। रूट चक्र के बैलेंस में रहने से सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रेम से रहिए। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, पसंद आता है तो लाइक भी करिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।